जाना चाहते थे विदेश, पहुंच गए जेल, आईलेट्स का कोर्स कर चुके युवक किए गए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24x7 न्यूज। 7 अगस्त की रात पिस्तौल दिखाकर वाहन लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई देसी पिस्टल भी बरामद की है। आपको बता दें कि इसी के साथ इनका एक साथी आरोपी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहां पढ़ाई की बात कहकर किराए में कमरे लेकर रह रहे थे। आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि यह घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। आपको बता दें कि यह दोनों युवक विदेश जाने के लिए आईलेट्स की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब दोनों का प्लेन सीधा जेल में ही लैंड करेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रदीप भंडारी की यूके 24x7 के लिए देहरादून से। वहीं देश व प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल यूके 24x7 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। ये 7 अगस्त को रात के लगभग 10:30 बजे प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट, 3 बदमाश करते हैं असला दिखा करके, और रात का वक्त था। इसमें इसको वर्कआउट करने के लिए हमने 4 टीमें बनाई और पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 CCTV को खंगाला गया। अब के देहरादून से लेकर के पौंटा साहब से लेकर के हरियाणा, पंजाब, इवन UP के भी इलाके में जा करके हम लोगों ने खंगाला और खंगाल करके एक 2 बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्कू है और शिव कुमार, ये दोनों सिरसा के रहने वाले हैं। तीसरा एक जो फरार चल रहा है अमरजीत, ये भी सिरसा के रहने वाला है, ये फरार चल रहा है। 2 अभियुक्तों का हमने अरेस्ट कर लिया है। मोटरसाइकिल अपाचे, उसको हमने रिकवर कर लिया है। उस मोटरसाइकिल पर एक गलत जो नंबर प्लेट था राजस्थान नंबर का, वो भी हमने 2 बरामद कर लिए हैं। एक पिस्टल में 30 जिंदा कारतूस, वो भी रिकवर कर लिया है। इन्होंने 22 जुलाई को एक हरजिंदर सनौप सुखबीर सिंह विंग नंबर 1 में के वहाँ जा कर के इन्होंने उसके मकान में एक कमरे का किराया लिया था और उसमें एक चादर, एक आपका तकिया और एक गद्दा रख कर के कुछ दिन यहाँ पर रहे थे। और जाते जाते 7 तारीख को उन्होंने घटना घटित किया और इस केस को हमने वर्कआउट कर लिया है। पूरी टीम बहुत टफ। इसमें एक विशेष बात ये था कि एक तो पहली बात ब्लाइंड केस था, दूसरा जो घटनास्थल था उसके पास आसपास कोई बिजली थी नहीं, तो इसलिए जो है वो नंबर प्लेट भी विजिबल ना तो वादे को हुआ ना किसी अन्य को हुआ। पुलिस ने बहुत मशक्कत करने के बाद केवल मोटरसाइकिल के पीछे का एक लाइट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेकर के हमने पूरा फुटेज जो जहाँ जहाँ पर भी हमको CCTV उपलब्ध थे वहाँ का फुटेज हम देखते हुए कुल्हाल और पौंडा साहब तक गए। उसके बाद आगे फर्दर जाने पर तब जा करके इसका कुछ हल्का फुल्का जानकारी भी नंबर प्लेट नंबर को मिला करके देखा गया। देखने के बाद पूरे लगभग 12 दिन के बाद ये मामला वर्कआउट हुआ है और बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत करनी पड़ी प्रेमनगर थाने को। SO साहब स्वयं गए थे वहाँ पूरे आपके हरियाणा, पंजाब और पौंटा साहब के हिमाचल प्रदेश में, तो एक अच्छा वर्कआउट हुआ है और गाड़ी हमने बरामद कर ली है। पूरे टीम को मेरे तरफ से 10,000 का नगद पुरस्कार मैं घोषणा करता हूं। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं यूके 24x7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।